Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi. तो आज हम बात करने वाले हैं एक मजेदार स्टोरी की, जिसमें हमारी हीरोइन की बहुत ही अच्छी चल रही जिंदगी एक जॉब इंटरव्यू के बाद पूरी तरह से बदल जाती है और हीरोइन को उस इंसान से प्यार हो जाता है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्यों हमारी हीरोइन के साथ में, ये आपको मैं आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, सड़क पर जब भी साइकिल चलाएं तो बहुत ही ध्यान दिया जाए, वरना एक पानी की बोतल भी आपका इंटरव्यू खराब कर सकती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन याओ से होती है, जो कि अपनी क्लास में घोड़ी बेच कर सो रही थी। याओ एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपनी मॉम के साथ में रहती है, जो कि एक अच्छी जॉब भी ढूंढ रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूंगी, कहानी की शुरुआत इसी जॉब की वजह से ही हुई थी। याओ की फ्रेंड डोंजी उसे क्लास में अगर उठाती है, बोलती है कि अरे ओ स्लीपिंग ब्यूटी, जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम्हें आयरिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। ये सुनते ही हीरोइन फटाक से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना सारा सामान पैक करती है, फिर जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार हो जाती है और इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। अब मैं निकली गड्डी लेके वेल, तो याओ फुल स्पीड में अपनी साइकिल भगाती है और बीच में उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि तुमको आज ब्लाइंड डेट पर भी जाना है। अरे 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 आंटी, जरा संभाल के फोन काटो, वरना आपकी लड़की आज ब्लाइंड ही हो जाएगी। माँ की ये बात सुनकर तो याओ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम हमारे हीरो से मिलते हैं, जो की आयरिस कंपनी के मालिक है, जिनका नाम होंग है, जो की उसी कॉलेज में इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं। याओ का रिज्यूमे प्रिंसिपल के सामने ही फेंक कर बोलते हैं कि ऐसे लेट लतीफ लोग मुझे कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये बोलकर जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी हमारी हीरोइन की धमाकेदार एंट्री होती है और वो अपनी साइकिल पर आ रही होती है, जहाँ एक पानी की बोतल उसकी साइकिल के नीचे आ जाती है, जिस वजह से बेचारी डिसबैलेंस होकर सीधा होंग के ऊपर ही गिर जाती है। मोमेंट थोड़ा रोमांटिक बनने ही वाला था कि तभी होंग याओ को अपने से दूर कर लेता है, क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को लड़कियों से एलर्जी जो है, जिसके उठते ही प्रिंसिपल भी याओ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि पागल लड़की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने कंपनी के सीईओ को ही अपनी साइकिल से ठोक दिया। याओ कहती भी है कि वो इंटरव्यू देने के लिए आई है, लेकिन सीईओ उसकी कोई बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार थे। एक तो बेचारी पहले से ही लेट हो गई थी और ऊपर से सीईओ को ठोक दिया था, तो अब इस जॉब का तो कोई चांस ही नहीं बनता। वेल तो होंग वहां से जाने लगता है और प्रिंसिपल याओ से उसे माफी मांगने को कहते हैं। होंग उनके सामने तो बहुत ही बहादुर बन रहा होता है, जैसे कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे हीरो कार में जाकर बैठते हैं, दर्द के मारे बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। जली पे नमक छिड़कते हुए उसका असिस्टेंट भी पूछ लेता है कि सर आपको ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। साथ ही ये भी बोलने लगा कि आज शाम के मिस चैंग के साथ आपकी मीटिंग को शायद हमें कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन बॉस उसे मना कर देता है। और वही अपनी माँ की तरफ से फिक्स ब्लाइंड डेट पर याओ चली जाती है, जहाँ पर उसे मिलने आया हुआ लड़का बहुत ही सीधा और सिंपल होता है, और इसी का फायदा उठाकर याओ वहाँ बहुत हॉट बनकर जाती है, जिसे कि वो उसे वहाँ से भगा सके। लेकिन अच्छी किस्मत से, या तो कहो कि बुरी किस्मत से, होंग भी चैंग से मिलने के लिए सेम कैफे में आया हुआ होता है जहाँ याओ थी। याओ को देखते ही उसे पहचान लेता है। होंग उस लड़की के साथ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, क्योंकि चैंग उसे काफी गलत इशारे जो दे रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, और वो बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो अपनी असिस्टेंट को फोन करके उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। वहीं याओ की बातें और हरकतें देखकर वो लड़का भी वहाँ से भाग जाता है, या ये कहे कि हमारी हीरोइन उसे वहाँ से भगा देती है। याओ इसकी खुशी मना ही रही होती है कि तभी अपनी मॉम को वहाँ पर आते हुए देख लेती है और वहीं कहीं जाकर छिप जाती है, जहाँ पर होंग भी खड़ा हुआ हुआ था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वहीं खड़े होकर लड़ने लग जाते हैं कि तभी चैंग उन दोनों को देख लेती है, और होंग भी वहाँ पर ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि याओ तो उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही चैंग वहाँ से जाती है, याओ की माँ भी उन दोनों को देख लेती है और उनसे पूछती है, जहाँ याओ भी उनसे झूठ कहते हुए बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के तो माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों याओ की मॉम को बाहर छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे ये कह के जाने लग जाती है कि बेटा तुम आराम से घर आ जाना और अपना टाइम ले लो। मॉम के जाते ही याओ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कह ही कह सकती थी। जहाँ होंग उसकी मॉम की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा तेज है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। जहाँ वो उसको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगले दिन इंटरव्यू के लिए आ जाना। वाह भाई वाह, क्या बात है, सीईओ ने अपने आप बुलाया है, लगता है हमारी हीरोइन की तो किस्मत ही खुलने वाली है। वेल तो नेक्स्ट डे याओ उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ हैंग की सकल्ड फियांसे आई हुई होती है, उसका नाम जोई है, और वो हैंग से शादी करना चाहती है,
क्योंकि जोई के डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि शादी से होंग के बिजनेस को अपने बिजनेस में मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन होंग जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो शादी के लिए मना कर देता है। और इस बात को लेकर वो उसे ऑफिस में लड़ने के लिए आई हुई थी, जिसका सारा मजा ऑफिस का स्टाफ बाहर खड़े होकर तरबूज खाते हुए ले रहा होता है। जहाँ पर तभी याओ पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि बॉस का ऑफिस यही है ना। साथ ही कहती है कि मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ। और वो लोग उसे तरबूज देकर वहाँ से निकल लेते हैं, जैसे कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं हो। याओ के अंदर जाते ही चैंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसका चोई से पीछा तो छूटने वाला था। और वो जल्दी से उठकर याओ का स्वागत करता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो जोई से कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये सुनकर तो वो चक्कर में पड़ जाती है। क्या ये अभी तक कल की बात नहीं भूला है, वो तो यही सोच रही होती है, या फिर ये इंटरव्यू का हिस्सा भी हो सकता है। बेचारे हमारे झल्ली हीरोइन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। वेल तो जोई होंग को उसके साथ में देखकर बहुत ही पूरी तरह से जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। याओ खुशी से उछल कर कहती है होंग से कि तो क्या मैं इंटरव्यू में पास हो गई और आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी। हैंग भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। साथ ही उसके ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है कि तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ये सुनते ही वो बहुत ही बुरी तरह से चौंक जाती है कि वो तो यहाँ जॉब के लिए आई थी, लेकिन अब बेचारी हमारे हीरोइन को खड़ूस बॉस की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। अरे नहीं, ये सोचते ही वो जाने लग जाती है, लेकिन होंग उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। या उससे कहती भी है कि बॉस प्लीज आप मुझे इन अमीरों के झमेले में मत डालिए, जिसके बाद फिर होंग उसे कहता है कि ठीक है तो तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना होगा, और साथ ही उसकी सैलरी भी उसे बता देता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और वो फिर से उसकी सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ाता जाता है और फाइनली 5 लाख पर रुकता है, जिससे कि याओ मान जाती है और फिर काम के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है हमारे साइड हीरो की, जिसका नाम शिन है, जो याओ की पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी डोंजी उसके पास आकर पूछती है कि ये तो याओ की पेंटिंग है ना। शिन के ये पूछने पर कि याओ कहाँ पर है, डोंजी उसे बताती है कि वो तो अभी अपना इंटरव्यू देने के लिए गई हुई है। देखते ही देखते हमारा साइड हीरो शिन तो याओ के ख्यालों में ही खो जाता है कि वो पहली बार उससे कहाँ पर और कैसे मिला था। जब वो पहली बार कॉलेज आया था तो वो रास्ता भटक गया था और याओ ने उसे रास्ता बताया था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ और वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब हो, और अगर वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। याओ रेडी होकर ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ होंग उसे मीटिंग के पेपर देता है और साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वो पढ़ पाती, मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और फरमान आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, याओ अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ वो अपनी मॉम से अपने डैड को मिलने की जिद कर रही होती है और सपने में वो अपने डैड से मिलने वाली होती है। लेकिन तब तक हमारी बेचारी हीरोइन का तो सपना ही टूट जाता है। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि वो मीटिंग के बीच में ही सो गई थी, जिस कारण से होंग फिर उसे मीटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। लेकिन अब हमारी बेचारी झल्ली हीरोइन कैसे एक्सप्लेन करेगी, वो तो घोड़े भेजकर पूरी मीटिंग में सो रही थी। लेकिन याओ बहुत ही ज्यादा शातिर और होशियार थी, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर ही देती है, जिससे कि काफी लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वही डोंजी याओ की मॉम के साथ में होती है कि तभी याओ सीधा घर पर आती है, जहाँ उसकी मॉम उसको देख लेती है और सोचती है कि ये तो अभी ऑफिस गई थी तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में यहाँ पर क्या कर रही है। कि तभी डोंजी उन्हें बताती है कि याओ का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। जैसे ही याओ फिर घर में एंटर करती है, वो अपनी मॉम के अंदर माँ काली का रूप देखती है। याओ अपनी मॉम से ये कह रही होती है कि मॉम रात के टाइम में सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मॉम कहती है कि बेटा मुझे घर की नहीं तेरी सफाई करनी है। वो समझ ही पाती कि उसकी माँ उसे जमकर झाड़ू से धुन डालती है। सुखे दोस्तों, आपकी माम ने कभी आपको झाड़ू से धोया है, और अगर हाँ तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। याओ अपनी चोट लेकर बैठी हुई होती है और उसकी माँ उससे अगर माफी मांगती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को मारने का थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था। साथ ही उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो बॉस का ड्राइवर था। वही होंग अपना काम कर रहा था और यहाँ हमारी हीरोइन फिर से घोड़े भेजकर सो रही थी। होंग उसे उठाने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, जहाँ वो हाँ बोल देती है। होंग फिर उसे घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन इसे याओ पर कुछ शक होता है, क्योंकि याओ तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्त इंजॉय कर रही होती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। डोंजी उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। तभी शिन उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग देता है, लेकिन उसे वापस भी ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में जो थी। याओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
वो वहीं पे टोन हो जाती है और फिर डॉन्सी उसको घर लेकर जाती है जहाँ शिन भी उसकी हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन डॉन्सी उसे मना कर देती है। वहीं बाहर होंग उसका वेट कर रहा होता है जो कि उसका पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है और इसके पास जाकर याओ को अपनी तरफ खींचता है और डॉन्सी से पूछता है कि याओ इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकती है और वहां से उसे उठाकर ले जाने लगता है जिसे कि शिन ने देख लिया था। और याओ सुबह उठती है और अपनी मॉम से डॉन्सी के बारे में पूछती है। मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे कहती है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि कल रात तुम घर कैसे पहुंची। साथ ही वो कहती है कि होंग तुम्हें छोड़ने के लिए आया हुआ था और ये बोलते हुए उसे गुस्से से मारने लग जाती है। लेकिन तभी माँ की कमर में चोट आ जाती है और याओ फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ वो याओ पर चलाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अजीब है जो कि मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आया। वहीं चोई शादी के लिए अपनी आंटी को लेकर होंग के घर पर पहुंच जाती है। अरे यार, ये तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जहाँ पर तभी याओ पहुंच जाती है जिसे देखकर होंग एक बार फिर से खुश हो जाता है क्योंकि उसका चोई से एक बार फिर से पीछा छूटने वाला था और इसी चक्कर में वो याओ को किस कर लेता है ताकि वो चोई से पीछा छुड़वा सके। ये देखकर तो चोई का दिल ही टूट जाता है। साथ ही उसकी आंटी भी नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि अब से वो होंग की कंपनी के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। होंग याओ से सॉरी बोलता है लेकिन याओ तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम हमेशा ही मेरा यूज करते हो। लेकिन योंग उसे समझाते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याओ तो को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सीधा उसके गालों पे थप्पड़े जड़ देती है। साथ ही फिर उसे किस भी कर लेती है, बोलती है कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है और वो भी हॉस्पिटल में है। लेकिन मॉम तो मजे से बैठ कर गेम खेल रही होती है जैसे कि उन्हें तो कोई चोट ही नहीं लगी थी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो तो सिर्फ बहाना बना रही थी ताकि वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिल सके। जैसे फिर उन्हें ये पता चलता है कि याओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर आ रही है, मॉम फिर से नाटक करने लग जाती है कि जैसे कि ना जाने उन्हें कितना दर्द है जो कि जन्मों से खत्म ही नहीं हो रहा। होंग भी मॉम से मिलने के लिए आया हुआ होता है जहाँ माँ फिर होंग को उसे कुछ खिलाने के लिए कहती है कि तभी याओ होंग के मुँह में सेब ठूस देती है। सोचने लग जाती है कि ये सब मेरी लाइफ में कब तक चलता रहेगा, मुझे इन सब से हर हाल में बाहर निकलना है। लेकिन भाई मॉम की डिमांड तो बढ़ती जा रही थी और इसलिए याओ फिर होंग को बाहर ले जाती है। मॉम का बस ना ही चले तो अच्छा है, नहीं तो वो तो होंग को अपने पास ही रख लेगी। वहीं दूसरी तरफ शिन याओ को उसकी पेंटिंग देता है और पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने बॉस होंग के साथ में रिलेशन में हो, सच में तुम उसे पसंद करती हो क्या? लेकिन फिर याओ उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि ये सब वो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ही कर रही है और ये सब कुछ एक नाटक है। साथ ही वो शिन से थोड़ी हेल्प भी मांगती है। नेक्स्ट मीटिंग में तो याओ ने अपने एक्सप्लेनेशन से सबके होश ही उड़ा दिए थे क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी करके आई थी। और जैसे ही मीटिंग फिनिश होती है होंग से पूछता है कि तुम ऐसे कौन से जादूगर से सीख के आई हो जो सबको जितना अच्छे से बोल रही थी। जब वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है जो कि कोई और नहीं बल्कि शिन ही था। जहाँ पर तभी याओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। वो फौरन वहाँ से भागती है, हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है कि मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है और अब मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। साथ ही उसे पूछती है कि तुम होंग से शादी कब कर रही हो। याओ उसकी ये सारी बातें सुनकर बेचारी बहुत हैरान हो जाती है लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी और इसलिए मान जाती है। जिसके बाद वो होंग से इसके बारे में बात करती है। सब कुछ उसे समझाने के बाद होंग भी रेडी हो जाता है। साथ ही वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसके सामने कुछ शर्तें रखता है जिसमें से पहले शर्त ये थी कि ये उनकी नकली शादी होने वाली है, इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी ये थी कि उसको मेरे घर आकर रहना होगा, जिसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चक्कर में वो दोनों झूठी शादी ही कर लेते हैं। वहीं हॉस्पिटल में मॉम तो सारे मजे ही लिए जा रही थी क्योंकि उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था और वो ये सब कुछ नाटक कर रही थी। दरअसल मॉम को ये इमोशनल ब्लैकमेल वाला आइडिया किसी और ने नहीं बल्कि उनकी एक फ्रेंड ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ याओ होंग के घर पहुंच जाती है जहां होंग को उसके बैग में से एक छोटी सी बॉटल मिलती है। होंग को लगता है कि वो कोई परफ्यूम है और या उसे रोकने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही वो अपने ऊपर उसे छिड़क लेता है जिससे कि उसकी आंखें बहुत ही बुरी तरह से जलने लग जाती हैं। गलत काम का गलत नतीजा। और इसीलिए कहा जाता है कि बिना पूछे या सोचे समझे किसी की चीजें नहीं छूनी चाहिए, लेकिन हम कहां मानने वाले हैं। वेल तो होंग अपनी आंखों को बंद करके सोफे पर बैठ जाता है। चाय पर तभी याओ उसके सामने अलग अलग औजार लेकर आने लग जाती है। लगता है कि होंग को मारने का पूरा प्लान करके आई है।
रात के टाइम दोनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ याओ स्पाइसी नूडल्स खा रही होती है और योंग सैलेड खा रहा था, क्योंकि भाई हमारे हीरो जी डाइट पर जो थे। याओ को इस तरह से चटपटा और बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हुए देखकर वो उसे मना करता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद याओ तो उसे बाहर ही खाने पर ले जाती है, जहाँ वो शिन को भी बुलाती है, लेकिन होंग तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। याओ वहाँ से कुछ लेने चली जाती है कि तभी शिन होंग के पास आकर बैठ जाता है और उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम याओ से दूर रहो, लेकिन होंग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और याओ को वहाँ से लेकर चला आता है। याओ के ये पूछने पर कि हम वहाँ से क्यों आ गए, इससे कहता है कि तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चोई ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी और इसलिए अब की बार वो सीधा होंग की सौतेली माँ के पास ही पहुँच जाती है और उसे बिजनेस का बहाना देकर उसे शादी के लिए मना लेती है। होंग की स्टेप मदर उसे कहती है कि वो होंग से बात करेगी, जिसके बाद चोई याओ और होंग की शादी की फोटो देखती है, लेकिन अभी भी उसे यही उम्मीद थी कि वो होंग से शादी कर ही लेगी। चोई के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, याओ अपने दोस्तों के साथ फिर से एंजॉय कर रही होती है और मैडम जी इस बार फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं, जहां शिन उसे इस बार घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक होंग वहां पहुंच गया था और उसे शिन के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही शिन को कहता है कि तुम्हें याओ से दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम उसे बिगाड़ रहे हो, जिससे कि दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा शुरू हो जाता है और शिन उसे कहता है कि याओ को फ्रीडम चाहिए जो कि तुम उसे नहीं दे रहे हो, ना ही तुम उसका अच्छे से ख्याल रखते हो। लेकिन फिर होंग उसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना जानता हूँ, तो इसलिए तुम तो मुझे मत ही सिखाओ। ये सुनते ही तो भाई शिन के दिल के टुकड़े ही हो जाते हैं, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि याओ और होंग की मैरिज हो चुकी है। जिसके बाद होंग याओ को घर ले जाकर सोफे पर पटक देता है और उसे गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। याओ उसे मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन होंग याओ के फोन पे ट्रैकिंग सिस्टम डाउनलोड कर देता है, जिससे कि अब की बार वो अगर कहीं भी गायब हो तो होंग उसे ढूंढ लेगा। साथ ही वो उसे अपनी फैमिली का ब्रेसलेट भी पहना देता है और उसको हमेशा अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे होंग की स्टेप मदर घर पर आ जाती है और वो घर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ उसकी मॉम उसे चोई से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और साथ ही कहता है कि मैं तो याओ को पसंद करता हूँ और वही मेरी वाइफ है। नेक्स्ट डे उसकी स्टेप मदर याओ से मिलने के लिए आती है और उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, साथ ही कहती है कि होंग के डैड ने ये ब्रेसलेट उनकी पहली वाइफ के लिए बनवाया था, यहाँ तक कि ये ब्रेसलेट तो उन्हें भी कभी पहनने को नहीं मिला है। साथ ही उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर होंग की शादी चोई से नहीं हुई तो हमारी कंपनी के दिवालिया निकल जाएंगे, वो पूरी तरह से डूब जाएगी। याओ भी सोच में पड़ जाती है और जब वो होंग को परेशान देखती है वो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसका ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। होंग उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन याओ उसकी कोई बात नहीं सुनती है और बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना और वहाँ से अपने घर चली आती है। जिसका इस तरह से उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि सब क्या चल रहा है। मॉम को वो सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ होंग की स्टेप मदर होंग से झूठ बोलते हुए कहती है कि याओ ने तुम्हें छोड़ने के लिए मुझसे 2 मिलियन लिए हैं और साथ ही तुम्हारे ब्रेसलेट भी लौटा दिया है, लेकिन होंग को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही उसकी माँ उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो एक मामूली लड़की है और उसके लिए तुम अपने डैड की कंपनी गवा नहीं सकते हो। जिसके बाद चोई होंग के पास आती है और उसे खूब लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो कहाँ ही पिघलने वाला था, क्योंकि वो तो अब याओ से प्यार करने लगा था। जहाँ चोई उससे कहती है कि अगर तुम अपना बिजनेस बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी वाइफ बना लो। वहीं दूसरी तरफ याओ नई जॉब को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, वो बहुत सारी कंपनियों में जाती है लेकिन वहाँ पे उसे जॉब ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती है। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम थी, बट स्टिल वो जॉब के लिए हाँ बोल देती है। जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर आती है तो उसके पैरों के छालों की वजह से वो गिर जाती है, जहाँ शिन आकर उसको संभाल लेता है, उसे उठाता है। याओ शिन को फेक मैरिज के बारे में भी सब कुछ बता देती है और ये सुनकर तो भाई शिन काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसका टूटा हुआ दिल वापस से धीरे धीरे जुड़ने लग जाता है, क्योंकि अब उसके पास भी एक मौका था कि वो दोबारा से याओ को प्रपोज करेगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते टाइम बीतता जाता है। याओ डोंजी के साथ बाहर कैफे में खाना खा रही होती है कि वहां लगी टीवी से उसे ये पता चलता है कि होंग और चोई जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं।
नेक्स्ट सीन में शिन फाइनली याओ को अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन याओ उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम मेरे बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त हो, ये कहकर वो उसे हग कर लेती है। जहाँ पर तभी कोई छुप कर उनकी फोटो ले रहा होता है। याओ को होंग की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, साथ ही वो सोचती है कि वो अपने दिल की बात फाइनली उसे बता ही देगी। लेकिन जैसे ही वो याओ के घर की तरफ बढ़ रही होती है, रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ चोई योंग को उन दोनों की फोटो दिखा देती है जो कि उसने खिंचवाई थी। साथ ही कहती है कि अगर तुम इस लड़की यानी याओ की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ में एंगेजमेंट कर लो, वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा। होंग को याओ की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है और जैसे ही एंगेजमेंट का दिन आता है, होंग बहुत ज्यादा परेशान होता है। जहाँ वो जाके शिन से मिलता है, शिन भी उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर याओ को ढूंढ लेते हैं। होंग फिर याओ से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया है। और फाइनली हमारा हीरो अपनी हीरोइन को बचा ही लेता है। सीन शूट होता है, कुछ समय बाद दिखाया जाता है दोनों ने अपने प्यार को कन्फेस कर लिया था और उनकी सच में शादी हो जाती है। सो गाइस यहीं पर इस ब्यूटीफुल ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये वीडियो और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।